हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू संजीमा ब्लॉग। और आज है दूसरा दिन। अभी हम लोग होटल से चेकआउट कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा होटल में। हम लोग ने क्योंकि दूसरा होटल में भी बुक किया था, ये डल लेक का सामने में, सो अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं। सो अभी हम लोग को, हम लोग ने रास्ते में थोड़ा गाड़ी का वेट किया और अभी हम लोग को फाइनली मिल गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं डल सुमो में। हाँ, यहाँ पे आपको सुमो वगैरह मिल जाता है। तो अभी हम लोग डल लेक के लिए जा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, रास्ता बहुत गर्मी है, पर आप देख सकते हैं ये डल लेक कितना बड़ा है। हम लोग जहाँ में रहा था वहाँ से भी पूरा सामने में डल लेक, और यहाँ पे मतलब पूरा ये आपका डल लेक है, बहुत बड़ा है ये, और ये नंबर बाय नंबर है। अभी हम लोग पहुंच गया है ये गेट, डल लेक का जो गेट नंबर 8 है, हम लोग का गेट नंबर 8 का सामने में होटल है। अभी हम लोग पहुंच गया, लेकिन होटल कहाँ में है अभी ढूंढना पड़ेगा। अभी गूगल मैप से ढूंढते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम भी आ चुका है, और हम लोग ने पूरा ये हाउस बोट में मतलब शिकारा हम लोग ने किया था, तो इस बार नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम कर चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है। और लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, इस साइड में बहुत भीड़ है। जो हम लोग ने लास्ट अभी जहाँ में रह के आए वहाँ पे भीड़ नहीं, एकदम अच्छा है, वहाँ पे शांत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा टूरिस्ट इलाका है, इसलिए आपको पूरा भीड़ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं सामने में, चलो लोग होटल देख रहे हैं। यहाँ पे सारी दुकान है, देख सकते हैं आप आराम से। रास्ते इधर में वो है, मिट्टी है, खिचे है, ये सारी दुकान है यहाँ पर। हम लोग अपना होटल ढूंढ रहे, नहीं मिला, जा रहे हैं अभी हम लोग होटल की तरफ। और 6 मिनट दिखाया है, तो अभी हम लोग चल के जा रहे हैं। बहुत टूरिस्ट है, बहुत लोग आ रहे हैं, अभी आप देख ही सकते हैं। इस साइड से आ गए हम लोग, शायद अभी ज़्यादा दूर नहीं है मिलने वाला है, थोड़ा सा चलना पड़ेगा। और कैसा डेंजर तरीके से स्कूटी चला रहे, एक बार गिर गया ना तो मतलब सोच लो फिनिश। पार्किंग एरिया, ये लोग ना ऑटो वाला
कोई भी गाड़ी वाला, कोई भी टूरिस्ट देखने ही नहीं होते है, तो हाँ पूरा ज़बरदस्ती पूछते ज़बरदस्ती नहीं जाना होगा तब भी चलो ना चलो अपना गाड़ी में बिठाने के लिए वो लोग अपना ढूंढते हैं ना पैसेंजर उसके लिए। भारी हो गया ना, गिल्ला कपड़ा भी है ना इसलिए आपको बहुत भारी। अभी होटल जाके सुखाते थोड़ा। क्या नाम है होटल का? होटल पहुंच गया है। नहीं नेटवर्क में दिखा रहा है लेकिन नाम कुछ हो रहा है। स्टेशन होटल हिल्टन और होटल जी। अभी हम लोग होटल पहुंच चुका है जस्ट। अभी हम लोग ने एंटर किया है और आप देख सकते हैं ये है हमारा रूम। वैसे रूम तो ठीक ही है। लास्ट टाइम जो हम लोग ने रहा था वो होम स्टे था और वो भी अच्छा था बहुत ही एकदम शांत ना राज। नहीं मतलब एक होम वाली फीलिंग थी। हाँ होटल तो होटल है इसलिए मेरे को डर लग मैं प्रेफर नहीं करता। बहुत भीड़ भड़ाका है। हाँ भीड़ तो बहुत है कंजेस्टेड लगता है। एंड बड़ो क्या करें मेरा कल एयरपोर्ट में जाना है तो फिर थोड़ा यहाँ से नज़दीक पड़ता है। नज़दीक पड़ेगा बट वो अच्छा था शांत माहौल था। पर यहाँ पर भी ठीक ही है वैसे तो रूम तो ठीक ही है ना। क्लीनर पानी अच्छा घर वाले सो ठीक है। अभी हम लोग फ्रेश व्रेश हो जाते हैं। बस मैं आपको यही रूम दिखाया ये है बाथरूम। बाथरूम भी ठीक ही है। सो आप पहले फ्रेश हो जाइए। हम लोग अभी होटल से निकल गए हैं। अभी शाम का टाइम है और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर में थोड़ा घूम के आते हैं क्योंकि अभी धूप चला गया है। अभी धूप नहीं है सो अभी हम लोग घूम सकते हैं है ना राज। हम लोग जाके आते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ? ठीक है पानी। सो अभी हम लोग अपना होटल से बाहर निकल चुके हैं।